नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे पे ट्रैक्टर परेड के नाम पे दिल्ली में मचाए गए उत्पात और लाल किला पे फहराए गए झंडे को लेकर के 25 से ज़्यादा FIR हुई है और उसमें 37 नेताओं के अलावा सिख फार जस्टिस भी है जिसपे UAPA के तहत कार्रवाई की जा रही है, यानी कि देशद्रोह का मामला लगा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दो चेहरों की चर्चे में हैं, वो दो चेहरे कौन कौन से हैं? वो है दीप सिद्धू और लखा सिधाना। दीप सिद्धू वही है जिसका कि कभी सांसद जो है सनी देओल से रिलेशन रहा, उनके प्रचार में एक्टिव रहा, बाद में उनसे अलग हो गया, जिसको लेकर के उन्होंने ट्वीट भी किया, और ये वही है जिससे RSS और BJP से संबंध होने के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सनी देओल के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। पंजाबी एक्टर है। इसके जो एक एक करके वीडियो सामने आए हैं 25 तारीख के, वो वीडियो बताए जा रहे हैं किस तरीके से वो भीड़ को संबोधित करते हुए उकसाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे जो उसने संबोधन किया है उससे साफ पता लग रहा है कि इन लोगों की साजिश पहले से थी लाल किले पे झंडा फहराने की, और अब जो है कोई भी किसान नेता इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये तो रही बात दीप सिद्धू की, वो सोशल मीडिया पे आकर के फेसबुक पे वीडियो जारी करके अब सफाई दे रहा है और कह रहा है कि यदि मैं गद्दार हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, तो ये सारे किसान नेता भी गद्दार और देशद्रोही हैं, ये सब उसमें शामिल थे। और जो लखा सिधाना है, ये इसके खिलाफ पंजाब में 26 मामले दर्ज हैं। ये गैंगस्टर रहा है, ये वहाँ पे गैंगस्टर से अब नेता बनने की कोशिश कर रहा है। आप पाएंगे कि जितने भी इस आंदोलन में शामिल हैं जो कि अराजक हुए और हिंसक हुए, कोई ना कोई इनका अपना निजी मकसद है। भीड़ में क्या होता है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, जो निजी फ्रस्ट्रेशन होता है, भीड़ में आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं। अब ये लखा सिधाना का जो है पता नहीं चल रहा है। कल जब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पुलिस कमिश्नर से पूछा गया था कि इन दोनों का FIR में नाम क्यों नहीं है, क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया था, सवाल को टाल दिया था। जो किसान लाल किले तक पहुंचे, वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले, उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस, लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों के खिलाफ भी FIR है और पुलिस इन्हें बहुत जल्दी गिरफ्तार करने वाली है। सारे जितने भी इनके वीडियोज हैं और जो भी इनके खिलाफ प्रूफ है वो सब जुटाए जा रहे हैं, यानी कि ये तो दोनों यहाँ से उत्पात मचा करके लाल किले पे झंडा फहरा करके भाग चुके हैं। अब उस आंदोलन में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ किसान यूनियन के नेताओं ने भी जो है इस पर आपत्ति जताई थी। तो अब पुलिस के लिए चुनौती है कि कैसे इन्हें, यदि पंजाब में जहां कहीं भी छिपे हैं, इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। आपको बता दें कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना ही ये दो चेहरे हैं जो काफ़ी इंस्टिगेट कर रहे थे किसानों को। लाल किला पर बताया जा रहा है कि यही लेके गए थे और इन्होंने ही वहाँ पर झंडा फहराने के लिए उकसाया, और फिर दीप सिद्धू तो वहाँ से लाइव कर रहा था, बता रहा था लोगों को, चूँकि वो एक्टर भी है इसलिए वो सबको मैसेज फैला रहा था। बाद में सब नेट को डाउन कर दिया गया था, लेकिन ये जितना करना था उतना कर चुका, और यही दोनों लाल किला कांड के खलनायक माने जा रहे। चेहरे और भी बहुत सारे हैं
और जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें 19 गिरफ्तार किए गए हैं, 50 हिरासत में लिए गए हैं, 37 उसमें किसान नेता हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी है। बहुत सारे लोगों के नाम है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसे वैसे और नाम शामिल होते जाएंगे, लेकिन ये वो दो मेन चेहरे हैं जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और ये भी बात आ रही है कहीं आरएसएस और बीजेपी से इनके संबंध हैं, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही है। हकीकत क्या है ये पुलिस जाँच में ही क्लियर होगा, और जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।